अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो मेरे पास विंडो एसी है, इसके अंदर आइस आ रही है। जो इसका एवेपोरेटर है वो पूरा आइस से कवर हो चुका है। तो क्या रीज़न्स होते हैं कि जिसकी वजह से हमारे एसी के अंदर आइस आ जाती है, जो इसका एवेपोरेटर है वो आइस से कवर हो जाता है? तो पहली रीज़न तो ये है इसकी कि जो इसका फ़ैन है वो स्लो चलता है, तो उसकी वजह से भी ये आइस आ सकती है। और जो सेकंड रीज़न है, इसको सर्विस काफ़ी टाइम से हम नहीं करते, तो जिसकी वजह से इसकी जो फिन्स है उसमें डस्टिंग आ जाती है। तो काफ़ी गंदा होने की वजह से भी ये आइस आने लग जाती है। तो इसको हम निकाल कर, जो इसको विंडो एसी को पूरा निकाल कर इसको हम सर्विस करेंगे प्रेशर के साथ। तो पानी वाला प्रेशर इसमें लगेगा तो ये हमारी आइस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो तीसरी रीज़न है तो इसमें आइस आने की, वो इस तरह आइस नहीं आती जैसे कुछ कुछ लाइंस में आइस आ रही है, यानी कि अगर गैप से इसमें आइस आ रही है तो वो रीज़न होता है इसमें गैस लो हो जाती है। मतलब हमारा एसी कहीं से लीक हो जाता है और कहीं से हमारी गैस निकल रही होती है, तो गैस कम होने की वजह से भी ये आइस आती है। तो ये मेन तीन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे एवेपोरेटर पर आइस आती है। तो इसको हम सर्विस करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।